अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी केक रस्क के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। केक रस्क जैसे कि आपको पता है कि बच्चों और बड़ों सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं और टी टाइम के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त स्नैक है और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। इससे पहले कि ये किस तरह से तैयार होते हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि केक रस्क के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये किस तरह से तैयार किया जाता है इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक रस्क बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मैदा है जो मैंने एक कप लिया है और इस मैदे को छान लिया है। इसमें हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे एक टीस्पून, इसको भी मैंने छान लिया है। थोड़ा सा हम इसमें लेमन फूड कलर इस्तेमाल करेंगे, लेमन एसेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून। इसके अलावा यहाँ मेरे पास पिसी हुई चीनी है, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली सफेद दानेदार चीनी जिसको मैंने पीस लिया है। ये कैस्टर शुगर है, पौना कप है। और 100 ग्राम हमारे पास यहाँ पे मक्खन है जो कि मेरे हाथ का बना हुआ मक्खन है, घर का बना हुआ। और इसमें 3 अदद हम इसमें अंडे इस्तेमाल करेंगे। अब जो मक्खन हमारे पास है, सबसे पहले इसे एक बड़े बॉल में मक्खन को हम इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन को बीट करते हैं। मक्खन को थोड़ा सा बीट करने के बाद स्पैचुला से आप इसको दरमियान में ले आएं और जो हमारे पास कैस्टर शुगर है ये इसमें डाल के अब हम इसको और बीट कर लेते हैं। मक्खन और चीनी को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बीट कर लिया है, इसको भी हम एक तरफ रख देते हैं। मक्खन को बीट करने के बाद तीनों अंडे मैंने इस एक बॉल में डाल लिए हैं, अब हम इनको बीट कर लेते हैं। अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है, अब हम ऐसा करेंगे कि जो मक्खन हमने बीट किया था इसके चीनी के साथ इसमें ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। अंडों को मक्खन और चीनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद बीटर के साथ यहाँ पे जो हमारे पास फूड कलर है 1/4 टीस्पून ये इसमें लेमन फूड कलर डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें लेमन एसेंस 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा बीटर इसको चला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। फूड कलर को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब जो मैदा हमने इसमें छान के रखा था मैदा वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको स्पैचुला से फोल्ड कर लेते हैं क्लॉकवाइज। इसके साथ ही बेकिंग पाउडर, इसको भी मैंने छान लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैदे को इसमें फोल्ड कर लेने के बाद अब यहाँ हमारे पास स्क्वेयर टिन है जिसको मैंने ऑयल से बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इस स्क्वेयर टिन के अंदर जो हमारा केक रस्क का जो सारा बैटर है ये सब इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 25 मिनट पहले मैंने इसको गर्म करने के लिए दरमियानी आंच पर रख दिया था। इसमें हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो हमारा केक रस्क का बर्तन है इसको रख देंगे और दरमियानी आंच पे इसको अब बेक कर लेते हैं। केक को चेक कर लेते हैं, तकरीबन 18 से 20 मिनट हो गए हैं इसको बेक होते हुए। नाइफ बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, टिन को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे मुकम्मल तौर पे इसको ठंडा कर लेंगे, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। केक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही जबरदस्त ये बेक हुआ है, लाइट सा इसमें कलर आया है
और इसको तकरीबन 2 घंटे तक मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, यानी बिल्कुल आप इसको बर्तन से बाहर निकाल के इसी तरह से रख दिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये बिल्कुल इस वक्त रूम टेम्परेचर पे है और अब हम इसके जिस तरह से केक ट्रक्स में स्लाइस बने होते हैं उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ मेरे पास ग्रीस की हुई ट्रे है। अब इस ट्रे में जो पीस हमने काटे हैं ये पीस इसमें रख देंगे। शुरू में जब केक को बेक किया था तो उस वक्त इसके लिए स्क्वायर टिन का होना बहुत जरूरी है। अब जिस वक्त मैं इसको बेक करूंगी दोबारा तो ये जरूरी नहीं कि इसके लिए स्क्वायर टिन हो, क्योंकि हमारी जो इसकी शेप है केक रस की वो तो तैयार हो ही चुकी है। और इसको दोबारा बेक करने के लिए इसका बिल्कुल ठंडा होना बहुत जरूरी है। यहाँ डेगची को मैंने तकरीबन दोबारा इसको 20 मिनट तक इसको गर्म किया है। स्टैंड रखने के बाद जो हमारे केक रस के पीस हैं ये दोबारा इसमें रख देंगे और इसको दोबारा बेक करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। इन सब की साइड चेंज करके दोबारा इसको फिर बेक करेंगे। केक रस को अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैंने इनको बेक किया है बहुत ही हल्की आंच पे और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ, हम इनको रैक पे रखेंगे। केक रस को मैंने तकरीबन 30 मिनट तक इनको रैक पे रखा है ताकि इसको हवा लगे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये इस वक्त क्रिस्पी हो चुके हैं। केक रस बिल्कुल तैयार है। इनको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि जब आप इसको सेकंड टाइम बेक करते हैं तो आप इसको बहुत ही हल्की आंच पर इनको बेक करें। जितनी हल्की आंच पर आप इनको बेक करेंगे उतने ही ये मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।